शिक्षक शिक्षा के जिज्ञास को नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। आपको ज्ञात ही है कि हम लोग अपने चैनल पर शिक्षा शास्त्र की भी चर्चा कर रहे हैं। आपको ये भी पता है कि शिक्षा शास्त्र एक ऐसा विषय है जो कि व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में विभिन्न पक्षों पर अपना जो अनुसंधान है, जो ज्ञान है, जो अनुप्रयोग है, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। देश काल परिस्थितियों के अनुसार यह जो समस्त प्रक्रियाएं हैं व्यवहार निर्माण के संदर्भ में, वे अलग अलग विचारधाराओं से परिमार्जित और परिवर्तित होती रहती हैं। इन्हीं विचारधाराओं के क्रम में हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के शैक्षिक विचारों का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जो शैक्षिक विचार है वह अभी वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आज जो हमारे इस वीडियो का अंक है उसका हमारा प्रकरण है स्वामी विवेकानंद का नव्य वेदांत और शिक्षण विधि। स्वामी विवेकानंद का नव्य वेदांत और शिक्षण विधि। आप जानते हैं कि उनका नव्य वेदांत विज्ञान और जो वेदांत है उसके समन्वय के कारण ही उसे नव्य वेदांत कहा जाता है। और आप ये भी जानते हैं शिक्षण विधि के संदर्भ में जो है गुरुकुल प्रथा को शिक्षण विधि का उन्होंने जब बात उनसे किया जाए, उन्होंने अपनी जो शिक्षा की पुस्तकें लिखी हैं उसमें जब बात की जाए कि शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल प्रथा की बात करते थे। स्वामी जी कहते थे कि जो शिक्षण है वह सिर्फ और सिर्फ गुरु जो विद्या है, जो सीखना है, जो व्यवहार निर्माण है, वह सिर्फ और सिर्फ गुरु के संगत से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु ही एक ऐसा ईश्वर का साक्षात स्वरूप है जो कि बालक में विद्यमान ईश्वरत्व को प्रकाशमान करने के लिए विभिन्न उपाय कर सकता है, और यह उपाय सैद्धांतिक न होकर के व्यवहारिक होनी चाहिए, क्योंकि सिद्धांत में जो भी रहेगा वह सिद्धांत ही बना रहेगा और व्यवहार में जो आएगा वही आत्मसाक्षीकरण की ओर जाएगा। तो गुरुकुल प्रथा में आत्मसाक्षीकरण की बात होती है कि जो कुछ भी सिखाया जाए, सीखा बालक सीखे, सब प्रयास यही हो उसका अधिकतम हिस्सा आत्मसाक्षीकरण के लिए तैयार हो, तत्पर हो। तो जो आत्मसाक्षीकरण की बात है वो उसके लिए एक कोई विधि या एक दो विधियां नहीं संभव हैं। आपको पता है कि जब विद्यार्थी समाज से दूर विद्यालय के गुरुकुल के एक अलग परिवेश में अपना जीवन यापन व्यतीत करना शुरू करता है, जहाँ सीखने की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो उसका जो अंतःक्रिया होती है, उसकी जो अंतःक्रियाएं हैं, वह प्रत्यक्षतः अप्रत्यक्षतः उसके व्यवहार के निर्माण की आधारशिला तय करती है, और वही अप्रत्यक्ष निर्माण या अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया जो है वही विद्यार्थी के भविष्य को निर्मित करने की आधारशिला देती है। तो इसी क्रम में कुछ बातें हैं जिनको देखते हैं उसके आगे शिक्षण विधि के संदर्भ में स्वामी जी के मत को हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। पहला इसमें कुछ बातें स्वामी जी ने कहा कि जो ज्ञान प्राप्त करने की एकमात्र विधि है वह है एकाग्रता। स्वामी जी कहते थे कि एकाग्रता के अतिरिक्त कोई विधि ऐसी नहीं है जिससे ज्ञान को प्राप्त किया जा सके। यह एकाग्रता ही है जिससे कि ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। आप किसी को कुछ सुना दें, कुछ पढ़ा दें, कुछ लिखा दें, लेकिन अगर उसका जो मन है सीखने के लिए तत्पर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो निश्चित रूप से वह सीखना टिकाऊ नहीं होगा, न तो आप उसे सीखना कहेंगे ही।
तो इसी प्रकार स्वामी जी के आगे बात सुने एकाग्रता के संदर्भ में क्या कहते हैं वे। जितनी ही अधिक एकाग्रता की शक्ति होगी, ध्यान से समझिएगा, जितनी अधिक एकाग्रता की शक्ति होगी उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। सुना है ना, जितनी अधिक एकाग्रता की शक्ति होगी उतना अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। उन्होंने आगे भी कहा है कि जो जितना ही अधिक एकाग्रता की शक्ति से काम करेगा, सीखेगा, उतना ही अधिक वह ज्ञान भी प्राप्त करेगा। यहाँ तक कि जो जूतों की पॉलिश करने वाला है, एकाग्रता से वह कार्य करेगा तो बहुत ही बेहतर कार्य करेगा। और जूता पॉलिश के संदर्भ में जो बातें हैं, जो कला कौशल है, जो उसकी बारीकियाँ हैं, उसको और बेहतर ढंग से समझ सकेगा। जो भोजन बनाने वाला रसोइया है, वह भी जितना ही एकाग्रता से कार्य प्राप्त करे कार्य करेगा उतना ही एकाग्रता से वह ज्ञान को सीखेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जितनी अधिक एकाग्रता की शक्ति होगी उतना ही अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। एकाग्रता के अलावा वो अनासक्ति, डिटैचमेंट की बात करते हैं। यह डिटैचमेंट अनासक्ति की जो है, अनासक्ति ये जो है ना, इसकी शक्ति भी अत्यंत प्रबल है। एकाग्रता के अलावा अनासक्ति की शक्ति भी अत्यंत प्रबल है, डिटैचमेंट की। अनासक्ति के बिना एकाग्रता संभव नहीं है, एकाग्रता नहीं आ सकती। जब तक डिटैचमेंट नहीं होगा, जब तक अनासक्ति नहीं होगी, तब तक एकाग्रता का सवाल नहीं उठता है। एकाग्रता के अभाव में अनासक्ति की शक्ति भी अत्यंत प्रबल है, और अनासक्ति के बिना एकाग्रता नहीं आ सकती है। उसी संदर्भ में स्वामी जी आगे लिखते हैं कि मैं शिक्षा को मूल तथ्यों के संग्रह को नहीं अपितु एकाग्रता को स्वीकार करता हूँ। क्या है यह मूल तथ्यों का जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं उनका कलेक्शन आप माइंड में कर ले, वह शिक्षा नहीं है बल्कि एकाग्रता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो तथ्यों का संकलन है वही मात्र को आप शिक्षा कह दें तो शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि वह आज स्मृति में एक ढेर की तरह या फिर समुच्चय की तरह रख दिया गया है, और एकाग्रता न होने के कारण वह जब भी आवश्यकता होगी छीड़ हो जाएगी। जैसे कर्ण की विद्या छीड़ हो गई थी उसको आवश्यकता पड़ने पर, वैसे ही अनासक्त और एकाग्रता के बिना जो सीखा गया ज्ञान है वह भी दूर हो जाता है। तो मूल तथ्यों को संग्रह को नहीं अपितु एकाग्रता को उन्होंने शिक्षा माना है। और उन्होंने आगे भी कहा है कि यदि मुझे पुनः शिक्षा प्राप्त करनी होती तो मैं एकाग्रता और अनासक्त की शक्तियों को विकसित करता, और तब उस मन रूपी निर्दोष यंत्र की सहायता से इच्छा मात्र से ही तथ्यों का संकलन कर लेता। कितनी बड़ी बात है, लगती तो बहुत छोटी है लेकिन ये दो शब्द ही बहुत बड़े हैं, अनासक्ति और एकाग्रता। ये दो शब्द आपके सामने मिल रहे हैं जिसमें स्वामी जी कह रहे हैं कि अगर मुझे फिर से शिक्षा प्राप्त करनी होती तो मैं एकाग्रता और अनासक्ति दोनों की शक्तियों को अर्जित करता। जब वो दोनों शक्तियां आपके, अनासक्ति का मतलब जानते हैं ना, निर्लेप भाव, किसी प्रकार का जो है स्वार्थ बस प्रेम नहीं, निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ का चिपकाव नहीं, निस्वार्थ लगाव, तो अनासक्ति। एकाग्रता के बारे में आप जानते हैं, एकाग्रता अंग्रेजी कंसंट्रेशन है लेकिन एकाग्रता, एकाग्रता जो
अर्जुन की जो दृष्टि थी, जब पंछी की आंख को भेदना था जो खेल परीक्षा होनी थी द्रोणाचार्य के द्वारा, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा, तो वहाँ जो पंछी की आंख को और देख रहे थे, उसके साथ उनके जो तीर की नोक थी उसको उन्होंने सेट किया था, एकाग्रता हुआ है। एकाग्रता का तात्पर्य है आप जिस बात को, जिस तथ्य को, जिस प्रत्यय को समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उसके साथ आप एक हो जाएं। आप इस पाठ को, इस प्रकरण को देख रहे हैं तो आप में एकाग्रता का तात्पर्य हुआ कि आपको सब कुछ भूल करके सिर्फ और सिर्फ इस तथ्य को याद पर ध्यान रखना है। इसके अलावा और कोई बातें आपको न दिखाई दें, क्योंकि यही एकाग्रता है। और अनासक्त का मतलब बिना स्वार्थ का जो लगाव है, तो अनासक्ति और जो लगाव है ये दोनों ऐसे ही हैं कि इनकी शक्तियों के यदि आप जान जाएंगे तो जो मन रूपी निर्दोष यंत्र है उसकी सहायता से आप इच्छा करेंगे और मन आपको एकाग्रता और अनासक्त के आधार पर जो तथ्य हैं जिनको आप इतना मेहनत करके पुस्तक पढ़ते हैं, तमाम पुस्तकालय देखते हैं और विशेषज्ञों को सुनते हैं, तो उन तथ्यों का जो है इच्छा मात्र से ही संकलन करने की बात स्वामी जी कह रहे हैं कि जो अनासक्ति है और एकाग्रता है, यदि इन दोनों प्रत्ययों की शक्तियों को आप जान लें तो स्वामी जी स्वयं इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि यदि मुझे पुनः शिक्षा लेनी हो तो मैं एकाग्रता और अनासक्त की जो शक्ति है उसको अर्जित करूँगा और उसके आधार पर ही पुनः जो अपना मन रूपी यंत्र है या निर्दोष यंत्र है, जो आपका मन है यह बिल्कुल निर्दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है, यह निर्दोष रूप यंत्र जो है इसकी सहायता से आप पल भर में इच्छा मात्र से ही जो तथ्यों का संकलन कर लेंगे। तो कितनी बड़ी बात है। शिक्षण विधि के संदर्भ में स्वामी जी का जो प्रत्यय, जो विचार है, जो उनका संपत्ति है, जो उनकी अवधारणा है, वो एक बृहद अवधारणा है, क्योंकि स्वामी जी गुरुकुल प्रथा की बात करते थे कि गुरुकुल में जो सिखाया जाएगा उसमें आत्मसातीकरण होगी, क्योंकि आत्मसातीकरण ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान को अस्थायी बनाया जा सकता है और वास्तविक स्वरूप में दिया जा सकता है। तो उस गुरुकुल प्रथा में जो बातें थी कैसे सिखाई जाए, उसके संदर्भ में एक कथन प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी का है, जिन्होंने अपनी महान भारतीय शिक्षा शास्त्री नामक पुस्तक में लिखा है कि शिक्षा की विधि के में स्वामी विवेकानंद जी का अपना एक विशिष्ट स्थान है और उनकी शिक्षा विधि एकमात्र आध्यात्मिक कही जा सकती है, जिसका आधार धर्म है, जिसका आधार धर्म है। और इस विचार से उन्होंने धर्म को की विशेष पद्धति अपनाकर शिक्षा देने के लिए कहा है। इस पद्धति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको आप देखिए। चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध करना, यानी योग प्राणायाम करना, जिससे जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया है, जो कुंभक रेचक और तमाम जो प्राणायाम की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उनके द्वारा आप चित्त की वृत्तियों का जो निरोध कर सकें, जो तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो प्रोफेसर लक्ष्मी नारायण गुप्त जी का जो कथन है, जो उन्होंने अपनी पुस्तक महान भारतीय शिक्षा शास्त्र में लिखा है कि जो शिक्षा है, शिक्षा की विधि में स्वामी विवेकानंद जी का अपना एक विशिष्ट स्थान है, उनकी शिक्षा विधि एकाग्रता एकमात्र आध्यात्मिक कही जा सकती है, इसका आधार धर्म है, और इस विचार से उन्होंने धर्म को की विशेष पद्धति अपना कर शिक्षा देने के कहा है। तो जो धर्म की उन्होंने विशेष पद्धति की बात की, उसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उस विशेषताओं पर जरा गौर करिए, तो ये बात आपको समझ में आती है कि चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध करना, यानी जो मन की चंचलता है
और जो मन के धनात्मकता जो इसको निर्दोष यंत्र है, या देखिए ना ऊपर आप जानते हैं मन को एक निर्दोष यंत्र के रूप में कहा गया है, जो परिवेश की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप जो उसमें दोष आए हैं या इंद्रियों के जो विषय हैं उनको उपभोग करने के कारण जो दोष उत्पन्न हुए हैं, उन दोषों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जब योग से योग की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो चित्त की वृत्तियों का जो है वह निरोध होगा, और केंद्रीकरण की विधि के द्वारा मन को एकाग्र करना चाहिए कि जो ध्यान की विधि है जिसको स्वामी विवेकानंद जी स्वयं लिखा है, यदि संभव हो तो आप भी ध्यान पढ़िए, या फिर राजयोग नामक उनकी जो पुस्तक है जिसमें केंद्रीकरण की जो बृहद पूरे जीवन में आप जिस किस तरह से केंद्रीकरण की बात को अपने आत्मसात कर सकते हैं, मन को कैसे एकाग्र किया जा सकता है, उस केंद्रीकरण की प्रक्रिया को वास्तव में समझने लायक है और आत्मसात करने लायक है, जीवन को उद्धार करने के लिए, जीवन का उत्थान करने के लिए, जीवन को चरम पर ले जाने के लिए आपको मन की शक्तियों का केंद्रीकरण करना चाहिए। और मैं जानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैंने जितना देखा है दुनिया में स्वामी जी जैसा महान कोई नहीं था जो कि इस तरह से जनमानस के उत्थान के लिए अपने जीवन को समर्पित किया हो। हमारी आपकी तरह ही वे भी एक सामान्य से व्यक्ति थे, और हमारा हम आप भी स्वामी जी की तरह एक महान व्यक्ति हो सकते हैं, बस अंतर है हमारे और उनके संकल्प और विकल्पों में। हम संकल्प लेते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन मन के विकल्प हमारे संकल्पों को धराशायी कर देते हैं। इधर संकल्प का सागर उठता है, उधर विकल्प का महासागर उसे समा ले जाता है, और उधर जब संकल्प का सागर उठ जाता था तो असंकल्प का सागर महासागर बन जाता था, और उसमें विकल्प कोई नदी या कोई बूंद की तरह मालूम पड़ती थी। तो ये संकल्प और विकल्पों का जो संघर्ष है, इसको आप लोग देखिए, जो हमारे शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासु हैं, मैं शिक्षक शिक्षा का जिज्ञासु शब्द प्रयुक्त करता हूँ आप सबके लिए, इसलिए कि यह शिक्षक शिक्षा सिर्फ एक व्यवसाय के लिए नहीं है, यह शिक्षक शिक्षा एक आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि शिक्षक व्यवहार के निर्माण को करने वाला होता है, और शिक्षा उस व्यवहार निर्माण की प्रक्रिया को शिक्षक शिक्षा जो है समझाने वाली प्रक्रिया है। और जिज्ञासु इसलिए कहता हूँ कि आप उसे जानना चाहते हैं। मैं स्वामी जी की इस बात को आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप भी करिए, कि जी एकांत केंद्रीकरण की विधियों से यदि आपका मन एकाग्र हो जाएगा, तो मन एकाग्र हो जाएगा तो आपका मन निर्दोष यंत्र की सहायता, मन रूपी निर्दोष यंत्र जो होगा वह इच्छा मात्र से ही तथ्यों का संकलन कर लेगा, और चित्त की वृत्तियों का योग द्वारा निरोध किया जा सकता है, केंद्रीकरण की विधियों द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है। व्याख्यान, तर्क, विचार विमर्श, स्वानुभव, रचनात्मक कार्यों और उपदेश द्वारा ज्ञान अर्जन किया जा सकता है। अनुकरण विधि द्वारा शिक्षक के गुणों व चरित्र का अनुकरण करना, आप जानते हैं स्वामी जी विद्यालय के रूप में गुरुकुल प्रथा पर बल देते हैं, और वे कहते हैं कि एकमात्र विधि है गुरुकुल प्रथा की इस विद्यालय के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ ही शिक्षक और शिक्षार्थी आते जो अंतःक्रिया करते हैं, एक परिवेश इस तरह से तैयार होता है जो कि अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप बहुत कुछ स्वयं सिखा जाता है। तो जो कुछ भी सीखना होता है वह स्वयं होता है, इसलिए गुरुकुल प्रथा में, गुरुकुल प्रणाली में रह करके अनुकरण की विधि द्वारा शिक्षक के गुणों व चरित्रों का अनुकरण करे विद्यार्थी, यही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। उसके बाद वे कहते हैं कि व्यक्तिगत निर्देशन व परामर्श विधि द्वारा छात्र के उचित मार्ग, छात्र को उचित मार्ग की ओर अग्रसर करना। स्वामी जी कहते हैं कि यदि आवश्यक हो, यदि आवश्यकता है बालक को कोई समस्या है तो बालक को आप व्यक्तिगत रूप से निर्देशन और परामर्श दीजिए, और छात्र को उचित मार्ग की ओर अग्रसारित करिए, जिससे कि जो उसकी समस्याएं हैं उसका समाधान हो सके और वह स्वयं अपनी क्षमताओं का उपयोग करके आगे बढ़ करके जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको पूरा कर सके। तो शिक्षण विधि के संदर्भ में यदि आप मूल बात को समझें तो इतना सा है कि
कि स्वामी जी आत्मसातीकरण की प्रक्रिया को बल देते हैं, और यह आत्मसातीकरण जो गुरुकुल प्रणाली में है ही संभव है, क्योंकि वहाँ पर जो होगा वह वास्तविक व परिवेश में सब कुछ अवसर मिलेगा, दूसरी जगह वह कृत्रिमता हो जाएगी, और कृत्रिमता जो है वह किसी भी प्रकार की हो वह कृत्रिमता वास्तविकता का या मौलिकता का कभी स्वरूप नहीं ले सकती। इसलिए स्वामी जी की जो शिक्षण विधि के संदर्भ में बात किया जाए तो आप इतना जानिए कि स्वामी जी सिर्फ़ और सिर्फ एकाग्रता की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता के आधार पर अनाशक्ति के भाव के साथ शिक्षा प्राप्त करने की बात करते हैं। तो आज हमने स्वामी जी के नव वेदांत और उसके संदर्भ में उनके शिक्षण विधि के संदर्भ में उनको विचारों को देखा, जाना, समझा। जो भी बातें आपको कहनी है आप कमेंट बॉक्स में आके कह सकते हैं। आप चैनल को लाइक करने, शेयर करने, सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।